आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की दो मज़ेदार रेसिपी। आम का सीजन आते ही आम तो खाना सभी को पसंद आता है, अगर उन्हीं आम से हम कुछ घर में मीठा बनाएं तो उसका तो कहना ही क्या। आज इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के मैंगो डेजर्ट बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और एकदम ईजी बनाना है और इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आम की इन मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मैंगो संदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक आम को काट लिया है, इसको हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें पीसकर बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। तो बस अब इस पेस्ट को हमें एक पैन में निकाल लेना है। पैन में निकालने के बाद इसको एक बार हम साइड में रख देते हैं और उसी जार में हम डालेंगे 200 ग्राम के करीब पनीर। तो मैंने यहाँ पर ये घर का बना हुआ ताज़ा पनीर लिया है, आप इसमें ताज़ा पनीर ही यूज करें। 1/4 कप डाल दिया इसमें मैंने मिल्क पाउडर और 1/4 कप ही इसमें हम डालेंगे दूध। अब तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पर ब्लेंड करके बिल्कुल अच्छे से स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल एकदम ये एकदम चिकना एकदम क्रीम जैसा हो जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रीम जैसा पेस्ट है। तो बस इसको एक बार साइड में रख दें और जो हमारा आम के पेस्ट वाला पैन है उसको हम रख देंगे अपने गैस पर और गैस को हम ऑन कर देते हैं। अब इसको हम पकाएंगे, तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और इसको हम कंटिन्यू स्टीर करते हुए लगभग 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद ही ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगेगा और जब ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगे तो इसमें हम डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ पनीर वाला पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे, तो बस इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर के लिए इसमें थोड़ा सा 1-2 पिंच के करीब येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गाढ़ा होने तक पकाना है और इसको गाढ़ा होने में लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। और ये देखिए, ये हमारा मिक्सर गाढ़ा हो चुका है, लगभग जमने की कंसिस्टेंसी पर पहुँच चुका है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसको थोड़ा सा फैला दें और इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ठंडा करना। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको हम थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे, लगभग इसे हम 1-2 मिनट के लिए मसलेंगे। तो 1-2 मिनट मसलने के बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम ये चिकना हो चुका है। तो इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और हाथों से इस तरह से गोल गोल करते हुए हम संदेश बनाएंगे। आप संदेश को कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर एक इसे पेड़े की तरह शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से आप उंगली से थोड़ा सा इसको दबा दें और इस तरह से संदेश बना लें। तो बस इसी तरह हमें ये सारे संदेश बनाने हैं, इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता रख देंगे, ये इससे दिखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो ये हमारे मैंगो संदेश बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं और एकदम मुलायम और एकदम नरम बनते हैं। ये देखिए इस तरह से है ना, बिल्कुल एकदम मुलायम। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। मैंने यहाँ पर यह गाय का दूध लिया है, इसको एक बार हम अच्छे से चला देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर उबलने देते हैं। दूध में उबाल आ चुका है तो इसको एक बार हम अच्छे से पहले मिला देते हैं ताकि जो ऊपर की मलाई है वो दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस की फ्लेम एक बार हम लो कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को हम दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी एक तो हमारी जल्दी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो बस मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला दें। मिल्क पाउडर अच्छे से दूध में घुल चुका है तो गैस की फ्लेम अब थोड़ी सी हम तेज़ कर देंगे और दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसको हम कंटिन्यू स्टीर करते रहेंगे
ताकि ये तले पर लगे ना। और ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो ये देखिए काफ़ी लगभग गाढ़ा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा ये दूध को गाढ़ा ना करें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटे हुए काजू और बादाम लिए हैं। साथ में डाल रहे हैं 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें लगभग 2 मिनट के लिए और इन्हें पका लेना, ताकि चीनी भी हमारी रबड़ी में बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और लगभग 2 मिनट हो चुकी है पकते हुए, तो ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। और इधर हम एक जार में हम एक आम को ब्लेंड करके उसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आम का पेस्ट तैयार हो चुका है। उधर हमारी रबड़ी भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इस रबड़ी के अंदर हम इस आम के पेस्ट को डाल देंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से रबड़ी के साथ मिक्स कर दें। और ये हमारी मैंगो रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करें, तो उसके लिए इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर उसके बाद इसको सर्व करें। और लगभग 1 घंटे बाद इसे आप सर्व कर सकते हैं। इसको आप अपने मन चाहे बर्तन में किसी में सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत ही इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाती है। तो गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल दें। और ये हमारी मैंगो रबड़ी भी बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब बनती है। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी दोनों ही रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा रेसिपी बढ़िया कौन सी लगी। अगर दोनों में से एक भी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।